सोलन भाजपा मंडल द्वारा सोलन के नवनियुक्त उपायुक्त केसी चमन का औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। सोलन से भाजपा नेता डॉक्टर राजेश कश्यप की अगुवाई में 50 के करीब भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं ने सोलन में नवनियुक्त उपायुक्त को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व परिवहन मंत्री महेंद्र नाथ सोफत, नगर परिषद अध्यक्ष डीके ठाकुर एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा नेता डॉक्टर राजेश कश्यप ने उपायुक्त को सोलन की ज्वलंत समस्याओं से अवगत करवाया, जिसमें पार्किंग, शांति बाईपास, हॉस्पिटल का शहर से बाहर स्थानांतरण करना, सीवरेज, ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने व नशे की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने पर बल दिया। सोलन भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय श्री केसी चमन, जो नए डिप्टी कमिश्नर आए हैं सोलन से, उनसे मिला। सबसे पहले तो हमने उनका स्वागत किया है सोलन में आने के लिए और यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का पदभार संभालने के लिए। साथ ही साथ जो सोलन की ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पे हॉस्पिटल को शिफ्ट करना है बाईपास रोड पे और उसके लिए लैंड जो है एक्वायर करनी है उसके बारे में, और यहाँ की जो आसपास की 8 पंचायतें हैं उसके लिए जो यहाँ पे कूड़ा संयंत्र लगना है उसके लिए लैंड का प्रावधान करने के लिए, और यहाँ पे पार्किंग की समस्या और जितनी भी यहाँ की जो शहर की समस्या है और गांव की समस्याएं हैं वो हमने उनके समक्ष रखी है। उसकी डीसी साहब ने आश्वासन किया है कि इन, क्योंकि वो पहले भी यहाँ रह चुके हैं विभिन्न स्तरों पे, एसडीएम, एडीएम और बाकी काफ़ी सारे ऑफिसेज उन्होंने संभाले हैं, तो उन्होंने सोलन की काफ़ी सारी समस्या से जो है वो खुद अवगत है, तो उस पर जो है वो इमीडिएट एक्शन लेने की जो है उन्होंने कहा है। वहीं सोलन में नवनियुक्त उपायुक्त केसी चमन ने कहा कि नशे की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाना उनकी प्रमुखता रहेगी। उन्होंने सोलन की जनता से भी नशे के काले कारोबार को खत्म करने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी आह्वान किया। सोलन मंडल के काफी ये भाजपा सदस्य मिले हैं और काफ़ी जनप्रतिनिधि आए थे। उनका सोलन का जो काफ़ी समस्याएं उन्होंने पेश की है, और जिसमें मुख्यतः पार्किंग और यहाँ पे बाईपास रोड कंडीशन, सीवरेज सिस्टम, एडजॉइनिंग जो 8 पंचायतें हैं उसके लिए है, कुछ काफ़ी सारे पेंडिंग इश्यूज है जिसको एक्सपेडिशियसली हमने सॉल्व करना है। अब जन आकांक्षाएँ हैं काफ़ी ज़्यादा है, हम कोशिश करेंगे उनमें बेहतरीन तरीके से समयबद्ध तौर पर इसका निष्पादन करेंगे। सोलन के लोगों से मेरा यही है कि यहाँ पे कि बहुत ग्रोइंग सिटी है और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर में हर एक में सहयोग करें, चाहे आप नशे का ले लो, नशे का जो कारोबार रहता है कि लगभग हर एक को किसी ना किसी तौर पे जो समाज में प्रत्यक्ष दर्शी उसको पता आभास रहता है, वो सूचना दे, गुप्त रूप पे दे, हम उसमें प्रभावी कदम उठाएंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि एक रैंडम मेडिकल चेकअप करेंगे स्कूलों का और दूसरे इस इंस्टीट्यूशंस में, एक इसको फीचर ताकि इसकी डिटेक्शन बढ़ जाए। सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।